मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो 19 जून से उत्तराखंड में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। उसके कुछ दिन बाद पूरे राज्य में मानसून एक्टिव हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में हुई प्री मानसून की बौछार से प्रदेशवासियों को बढ़े हुए तापमान से काफी राहत मिली है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 19 तारीख तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून की बारिश होगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। और वहीं राज्य में आज के मौसम की बात करें तो IMD ने उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। बद्रीनाथ में आज न्यूनतम तापमान -0.7 डिग्री और अधिकतम तापमान 4 डिग्री रह सकता है। और वहीं बद्रीनाथ में आज बारिश की भी संभावना है, जबकि चोपता में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। चोपता में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय चारधाम की यात्रा पूरी तरह से अपने चरम पर चल रही है। ऐसे में मानसून की दस्तक से एक और गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। तो वहीं कुल मिलाकर मौसम विभाग ने राज्य में 19 जून तक पूरे प्रदेश में प्री मानसून बरसने और 23 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की बात कही है। इस बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं मानसून की आहट को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो उत्तराखंड का मानसून अपडेट जो है वो यह है कि 17 जून को न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम जो है वो 34 डिग्री रह सकता है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी से राहत उत्तराखंड वासियों को अब लगातार 2 से 4 दिन तक मिलती रहेगी। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कहा जा सकता है कुल मिलाकर उत्तराखंड वासियों को अब भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। देखिए, कल से मौसम में बदलाव जो है पूरे उत्तराखंड में देखने को मिली है। और ऐसे में कल देर शाम हमने देहरादून में देखा बारिश का सिलसिला देखने को मिला। मौजूदा समय में देखें तो जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की है प्री मानसून को लेके, 19 तारीख से जो है प्री मानसून का दस्तक उत्तराखंड में है। लेकिन बहरहाल अगर आज की अगर हम बात कर ले, पहाड़ी इलाकों में जो बारिश की संभावनाएँ जाहिर की गई हैं, मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। देहरादून में भी सुबह से जो बादल है वो छाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो एक राहत है जो मानसून की आने की जो दस्तक है प्री मानसून से कि वो कहीं ना कहीं एक राहत दे रही है, क्योंकि गर्मी का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा था और ऐसे में लोगों को जो परेशानियां हो रही थी अब कहीं ना कहीं इससे जो थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 19 तारीख को प्री मानसून दस्तक देगा और ऐसे में बारिश का जो सिलसिला है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला। बहरहाल आज की अगर हम बात कर लें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जो चारधाम इलाकों का क्षेत्र है, ये जिले, इन क्षेत्रों में बारिश की जो संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र, अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। भीषण अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जो चारधाम की यात्रा लेकिन चल रही है वहां पर श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर आंधी तूफान आता है तो। देखिए, हर बार देखा जाता है चारधाम की यात्रा के दौरान जब मानसून दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती हैं। इस बार भी पूरी प्लानिंग है सरकार की तरफ से कि जो यात्री हैं उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर मानसून के समय भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की दिक्कतें होती हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और ऐसे में घंटों लोगों को जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर बिताना पड़ता है। पूरी प्लानिंग है सरकार की कि ऐसी सिचुएशन में समय रहते सड़कों को कहीं ना कहीं साफ कराया जा सके और सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। प्री मानसून का जो दस्तक है 19 तारीख से है और उसके पहले राहत थोड़ी मौसम की तरफ से मिलनी शुरू हो गई है। गर्मी से लोगों को अब राहत महसूस होने लगी है और ऐसे में चारधाम क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं हैं लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, मौसम की अलर्ट के बाद विभाग ने सारी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली हैं, विभागों को अलर्ट पर रखा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हैं क्योंकि बारिश की संभावना है और उत्तराखंड वासियों को अब आने वाले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।